हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं आप लोगों की एक मोस्ट पॉपुलर सवाल का जवाब लेकर। इन दिनों में जो भी स्टूडेंट्स या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अभी जस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम्स देने जा रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल इयर्स की, उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग तैयारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कहां से शुरू करें और किस एग्जाम को टारगेट किया जाए। तो ऐसे में जो दो सबसे बड़े ऑप्शन निकलकर सामने आते हैं वो है या तो हम बैंकिंग के एग्जाम दें या हम पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दें, इन दोनों में से हम किसी एक एग्जाम को टारगेट करें। तो ऐसे में स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूज हैं कि सर किस एग्जाम को टारगेट किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ऑफिस में भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर बैंक का एग्जाम दिया जाए या स्टेट गवर्नमेंट का दिया जाए। तो इसको मैं बहुत से पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को इस बात में क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। सिर्फ आसपास के एनवायरमेंट या जो बच्चे आसपास में जो पिछले कुछ सालों में इस तैयारी के अंदर कुछ साबित नहीं कर पाए उनके सिर्फ कहने मात्र से आप लोग अपना एक माइंडसेट ना बनाइए। आप इसके अंदर अपनी सोच एक बनाइए अपने फैक्ट्स के माध्यम से। तो ये मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट ये रखा कि अगर हम लोग देखें कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक पिछले एक साल के दौरान बैंकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के या पंजाब गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जाम हुए हैं, किसके एग्जाम ज्यादा हुए हैं, किसके एग्जाम कम हुए हैं या नंबर ऑफ वैकेंसीज किसकी ज्यादा रही थी, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने एक डिटेल रखने जा रहा हूं। इसको जरूर हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत जैसा कि हम करते हैं बैंकिंग की, जो एग्जाम है बैंकिंग के एग्जाम्स की एक खास बात है कि बैंकिंग के एग्जाम का एक फिक्स टाइम टेबल होता है जो कि आपको साल की शुरुआत में ही दे दिया जाता है जनवरी फरवरी के अंदर कि 2024 के अंदर या 2023 के अंदर कौन कौन से एग्जाम किस किस तारीख को होने जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा पेपर आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, जिससे स्टूडेंट्स के मन में क्लैरिटी आ जाती है कि उन्होंने आने वाले समय में कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है और कैसे कैसे एग्जाम सामने आते जाएंगे। तो जैसा कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई FCI के एग्जाम से। FCI को हम बैंकिंग में इसलिए शामिल कर सकते हैं क्योंकि इनके जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली बैंकिंग के एग्जाम की तरह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो FCI का पेपर हमारे स्टूडेंट्स ने दिया जो कि बैंक की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आता है LICW बहुत ही शानदार वैकेंसी रहती है, ये पूरे भारत की एक साथ वैकेंसी होती है इसलिए इसके अंदर सिर्फ 300 लिखा गया है, पंजाब की अलग से नहीं लिखी गई है क्योंकि पूरे इंडिया की वैकेंसी होती है। LICW की नई वैकेंसी भी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें हमारी अकेडमी से 6 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, LICW की जो सैलरी होती है फर्स्ट सैलरी, इसमें प्रोबेशन का, प्रोबेशन में कम सैलरी या ज्यादा सैलरी का कोई इशू नहीं होता है, 90,000 सैलरी रहती है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, इसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वैकेंसी आई थी LICADO, बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर भी खूब ज्यादा थी। उसके बाद SSC CGL हुआ। SSC CGL को इसलिए इसमें शामिल किया गया लिस्ट में, नंबर एक बात तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, नंबर दो इसकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो आजकल ऑलमोस्ट बैंकिंग के एग्जाम की तरह होता जा रहा है। आजकल जो हम बैंक के अंदर पढ़ते हैं वैसा सही मैथ्स इसमें आता है, वैसी ही रीजनिंग आती है, वैसी ही इंग्लिश आती है और GK जब हम स्टेट का प्रिपेयर करते हैं तो SSC की भी जो GK है वो प्रिपेयर हो जाती है इसके अंदर। इसी तरह से उसके जस्ट बाद IBPS RRB क्लर्क का एग्जाम आ गया अगस्त के अंदर। ये जनवरी फरवरी अप्रैल में तो 2-3 ही एग्जाम थे लेकिन इसके जुलाई के जस्ट बाद जो है वो एग्जाम्स की एक सीरीज शुरू हो जाती है और लगातार ये दिसंबर तक चलती है। IBPS RRB क्लर्क रहा। SSC CHSL जो मतलब प्लस टू बेस पे एग्जाम होता है वो इसका एग्जाम रहा। उसके बाद IBPS RRB PO का एग्जाम था। EPFO SSA तो ये EPFO भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी साल दर साल हर साल 2 साल बाद वैकेंसी निकालता है और इसके अंदर भी जो स्टूडेंट है जो बैंकिंग की तैयारी वाले हैं वो रिजल्ट ला पाते हैं क्योंकि इनका पैटर्न सेम रहता है। SSC MTS जो असिस्टेंट ग्रेड से थोड़ा सा एक नीचे का ग्रेड हो जाता है उसकी भी वैकेंसी आती है हर साल। NIACL
ये हमारे इंडिया के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती है, LIC जैसे मान लो जीवन बीमा का काम करती है, वैसे ही जनरल इंश्योरेंस का काम करती है। तो जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो आपके इंश्योरेंस सेक्टर के भी सारे पेपर प्रिपेयर होते हैं, आपको ये पेपर देने का मौका मिलता है। उसके बाद IBPS PO जो हमारा कॉमन एग्जाम है, सेंटर के अंदर पूरी खूब वैकेंसी आती है, 3000 वैकेंसी थी जो कि बाद में बढ़ा भी दी जाती है। उसके बाद RBI असिस्टेंट, यानी जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप RBI का भी एग्जाम इसके अंदर साथ कवर करते हो। और उसके बाद SBPO, SBI की हर साल वैकेंसी आती है, SBPO भी आती है और SBI क्लर्क भी आती है। IDBI मैनेजर, अब IDBI भी हमारे बैंकिंग लिस्ट के अंदर हर साल वैकेंसीज निकालने लग गया है, आने वाले समय में भी जल्दी इसकी खूब वैकेंसीज नजर आ जाएंगी। IDBI असिस्टेंट, IB जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो भी लास्ट ईयर वैकेंसी आई उसमें भी अपनी अकेडमी से काफी अच्छे सिलेक्शन हुए थे। IB सीनियर असिस्टेंट, ये कुछ वैकेंसीज थी। अगर हम लोग इनकी काउंटिंग करें तो लगभग लास्ट ईयर जो बच्चों ने जिन्होंने बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी की उनको कितने पेपर देने का मौका मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस स्लाइड के अंदर 6 एग्जाम रही हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी लगातार 18 पेपर थे। और जब हम साल भर के अंदर इतने पेपर देते हैं तो डेफिनेटली नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं रहती है, वैकेंसीज का बहुत पहले से आइडिया लग जाता है कि वैकेंसी आने वाली है और उसके एग्जाम की जो एक टेंटेटिव डेट रहेगी, एक एक्सपेक्टेड रेट रहेगी, वो पहले से नेट पे शो होने लग जाती है, जिसको टारगेट रख के बच्चे जो है वो अपना सेल्फ स्टडी या कोचिंग सेंटर या जो भी उनका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी कंपैरेटिव, इन 18 एग्जाम्स की कंपैरेटिव अगर हम लोग बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं 2023 के अंदर, ये जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर एक तो एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर था मई 2023 के अंदर, उसके बाद पटवारी का एग्जाम था मई 2023 के अंदर, नायब तहसीलदार, हालांकि तहसीलदार की जो पोस्ट है उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ग्रेड बड़ा होता है और इसमें हर बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं करता, जो PCS की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो इसको टारगेट रखते हैं। हर एक स्टूडेंट जो मतलब क्लेरिकल या ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम देता है वो इसको टारगेट नहीं करता है। उसके बाद PSSB सीनियर असिस्टेंट, PSSB क्लर्क, 5 पेपर ये इस स्लाइड के अंदर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इनके अंदर लिखी गई है। आप बाद में वीडियो को पॉज करके जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का एक कंपैरिजन भी अपने आप से कर सकते हो। तो 5 पेपर यहां हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, फायरमैन का एग्जाम हुआ और पंजाब पुलिस में SI का एग्जाम हुआ, 5 और 3 टोटल 8 एग्जाम हुए हैं। यदि आप बैंकिंग और सेंटर की बात करो 18 एग्जाम हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट की बात करो 8 एग्जाम हुए हैं। ये 8 एग्जाम भी जो हो पा रहे हैं वो इस नई गवर्नमेंट के एक अच्छे इनिशिएटिव की वजह से हो पा रहे हैं कि इन्होंने एक प्रॉमिस किया जनता को कि ये हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इस वजह से ये 8 एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन जब आप इससे पीछे का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं 5 साल में भी 8 पेपर नहीं हुआ करते थे, अब साल में 8 पेपर हो रहे हैं ये बड़ी बात है, पहले 5 साल में भी 8 पेपर नहीं हुआ करते थे। तो आप लोगों के सामने मैंने एक कंपैरिजन रखा है जिसमें मैंने आपको बताया बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप देखोगे तो 18 पेपर हुए हैं, अगर पंजाब गवर्नमेंट के आप देखते हो तो 8 पेपर हुए हैं। एक स्टूडेंट जो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इन 8 पेपरों तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन जब एक स्टूडेंट बैंकिंग प्लस पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी करता है तो उसे 18 पेपर सेंटर के और बैंक के, 8 पेपर उसे पंजाब गवर्नमेंट के, 18 और 8 टोटल 26 पेपर देने का मौका मिलता है। तो ऐसे में आप खुद इस चीज का फैसला कर सकते हो कि आपको किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा जिससे इस बात को डिसाइड करने में आपको काफी मदद मिलेगी। ये जो कंपैरिजन था बिल्कुल फेयर था, इसमें कहीं भी डाटा को मैनिपुलेट नहीं किया गया है, ना ही आपकी जो मानसिकता आपकी सोच है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये आपको एक सही रास्ता दिखाया जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी में ना लगें, आप बैंकिंग प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने का मौका मिलता है। अब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सर हम इतना सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, क्या बैंकिंग का भी और क्या पंजाब गवर्नमेंट का सब कुछ मैनेज हम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोनों के सिलेबस के बारे में एक चर्चा आप लोगों के सामने रखूंगा जिसमें आपको ये समझने में बड़ी मदद मिलेगी कि दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस है और आप जब स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो और आप जब बैंक की तैयारी करते हो
आपको क्या चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और क्या आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ बेनिफिट मिला है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।